अच्छा शत्रानी, मैं क्या कह रहा था कि जिस तरह बच्चे कभी अपने माँ बाप की नजरों में बड़े नहीं होते ना, उसी तरह एक पति अपनी पत्नी की नजरों में कभी समझदार नहीं हो सकता। अच्छा शत्रानी, तुम्हें पता है डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया ये सभी मादा मच्छरों से होते हैं। हाँ तो मर्द तो बेचारे इनके भी सीधे ही होते हैं। एक बात बता, हाँ? लड़के की वोट डालने की उम्र 18 वर्ष, हाँ? और शादी करने की 21 वर्ष, हाँ? ऐसा क्यों? अगली सरकार भी जानती है कि लड़के संभालना देश संभालने से कठिन काम है। अच्छा शत्रानी, मैं क्या कह रहा था कि हर नाराज औरत के पीछे एक मर्द का हाथ होता है, जिसे ये पता ही नहीं होता है कि उसने किया क्या है। अच्छा शत्रानी, मैं क्या बोल रहा था कि आज हम उन सभी लड़कियों से निवेदन करें जो अपने बॉयफ्रेंड को बेबी, मेरा बच्चा, सोना या फिर जानू कहकर बुलाती है, वे आने वाले इस रविवार को अपने बॉयफ्रेंड को पोलियो की दो बूंद जरूर पिलाएं। अच्छा शत्रानी, मैं क्या कह रहा था कि भारतीय पत्नियां अपने पति को चाहे कुछ ना समझे, लेकिन फिर भी हर औरत दूसरी औरत को ये जरूर कहेगी कि ना बाबा ना, अगर इनके पापा ने देख लिया तो मुझे खा जाएंगे। अरे सही तो बोला, क्या गलत। अच्छा शत्रानी, मैं क्या बोल रहा था, जब अपन कहीं बाहर खाना खाने चलें क्या? क्यों यार, आज मेरा घर खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, तो सोच रहा था कि बाहर चलें। घर खाना खाने का मन नहीं कर रहा कि बर्तन धोने का मन नहीं कर रहा? अच्छा आप भी ना कितने भूले हो। क्या हो गया? सड़े कद्दू लिया है, आपको कोई भी बेवकूफ बना सकता है। शुरुआत तो तुम्हारे मम्मी पापा ने की थी। क्या आप भी ना कोई काम ठीक से नहीं करते हो। क्या हो गया? फोन छोड़ते हो तो टीवी में लग जाते हो, टीवी छोड़ते हो तो फोन में लग जाते हो। अब ये क्या, मेरा फोटो क्यों क्लिक कर रहे हो? अरे तुम गुस्से में और भी सुंदर लगती हो, मैं मेमोरीज बना रहा हूँ। क्या आप भी? कौन है? अच्छा शत्रानी, मैं क्या बोल रहा था कि हम अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची छोटी माउंट किलिमंजारो चढ़े, ऐसा करने वाले हम भारत के पहले कपल बने। लेकिन मैं साला कितना बड़ा बेवकूफ कि लोग समस्या से परेशान होकर पहाड़ों पर चढ़ते थे, मैं तो समस्या को लेकर ही पहाड़ पर चढ़ गया। सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? बाय बाय दोस्तों। आजकल की लड़कियों की सबसे बड़ी समस्या, जब बहू बनती है तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब सास बनती है तो बहू अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनती है तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनती है तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब ननन बनती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनती है तो ननद अच्छी नहीं मिलती, और अगर भगवान की कृपा से सब अच्छा मिल जाए तो काम वाली अच्छी नहीं मिलती। बिचारी लड़की कितना परेशान रहती है। क्या कर रहे हो? अच्छा शत्रानी, तुम अच्छा हुआ भाई, हमारे प्रोग्राम में देखो तो क्या है इसमें, कुछ नहीं चेक कर रहा था करंट कौन सा। आपसे तो अच्छा किसी राक्षस से मेरी शादी हो जा रही थी, परेशान हो गई हूँ मैं। अरे पगली, हमारे धर्म में खून के रिश्तों में शादी नहीं होती, बस तीन की। नो। वाह यार शत्रानी, तुम कितना अच्छा सर दबाती हो, मेरा सारा सर दर्द गायब हो जाता है। अच्छा, शादी के पहले सर दर्द होता था तो क्या करते थे आप? शादी के पहले सर दर्द कहाँ होता था।